सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। आज का पंचांग 26 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 9 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:57 से 9:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 26 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, अपने स्वास्थ्य के साथ जुआ ना खेलें। यदि आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं तो इस पर विचार करें। कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि और नए विचार आपको प्रतियोगिता से अलग करते हैं। अपने बच्चों और प्रियजनों के लिए समय निकालें। परिवार के साथ विवादों को सुलझाने के लिए रचनात्मक तरीकों की तलाश करें। आज आपके अपने शौक और मनोविनोद को पूरा करने की तीव्र इच्छा होगी। छोटी या लंबी यात्राओं का योग बन रहा है। आप कुछ दिलचस्प लोगों से मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन रंगों से भर जाएगा। बार बार असफल होने पर भी अपने उत्साह को ना खोना ही सफलता है। सामाजिक तथा राजनीतिक दायरा बढ़ेगा। मकान जीवन जायदाद आदि से संबंधित अगर कोई काम रुका हुआ है तो आज उसको निपटाने का प्रयत्न करें। आपको अवश्य सफलता हासिल होगी। विद्यार्थी भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासशील रहेंगे। काम के साथ और भी बातों का आप पूरी तरह से आनंद आज ले पाएंगी। बच्चों के साथ का रिश्ता सुधरने लगेगा। अध्यात्म से जुड़े लोग अपने विचारों के साथ मिलते जुलते लोगों के साथ समय बिता पाएंगी। नया काम करते समय शुरुआत में आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी लेकिन वक्त के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों को मनचाही शाखा या कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सावधानियां, रुपए पैसों को लेकर कुछ तनाव की स्थिति रहेगी तथा आर्थिक कशमकश बनी रहेगी। अजनबी लोगों के साथ व्यवहार व लेन देन में सावधानी बरतें। परिवार को लेकर भी मन में थोड़ी बहुत असुरक्षा की भावना व चिंता की स्थिति रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं, अचानक टूटा रिश्ता आपके जीवन में खट्टास भर सकता है लेकिन इन बातों को गंभीरता से ना लेकर जीवन में आगे बढ़ें। जीवन बदलाव का दूसरा नाम है। इस बदलाव से रिश्ते अच्छे बनेंगे। जिस तरह जिंदगी पल पर रंग बदलती है ठीक उसी तरह इंसानी रिश्ते भी समय के साथ बनते बदलते हैं। आज नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आपको अपना साथी मिल जाए। दोस्त या प्रेमी के साथ लॉन्ग ड्राइव या घूमने जाने की आपकी लालसा पूरी होगी। कुछ रोमांटिक मूवमेंट भी आपकी प्रतीक्षा में है। आप अपने पंखों को खोलकर उड़ान चाहते हैं तो आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। बात करते हैं करियर की। व्यापार और नौकरी दोनों में लेन देन संबंधी गड़बड़ी से आपको हानि होगी। आपकी रचनात्मकता और कूटनीति के गुण आपको तारीफ के पात्र बना देंगे। संघर्ष और कल्पना भरे इस दौर का मजा लें।
क्योंकि इससे भी आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। अपने जिन शौकों को आपने अब तक अनदेखा किया है, वो अब आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। आज लंबी ड्राइव या यात्रा का भी योग है। किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने की संभावना है। अपने बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए यह अच्छा समय है। जो भी करना है आज ही करें, क्योंकि यह वक्त फिर वापस नहीं आएगा। बात करते हैं सेहत की। आज आप स्वास्थ्य को लेकर खुशनुमा स्थिति में रहेंगी। आज आप अपना दिमाग सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार, आशा और विश्वास की तरफ लगाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी ओर से किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करें ताकि आपका स्वास्थ्य और दिमाग ठीक रहे। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर 5 अमृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।